नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल HP टेट प्रिपरेशन में। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपको सभी के सभी प्रश्न जो पहले फिजिक्स में HP टेट नॉन मेडिकल में पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनका सही उत्तर क्या है विद एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके आने वाले 2021 के HP टेट नॉन मेडिकल के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है कि एयर प्रेशर इज़ यूजली हाईएस्ट व्हेन एयर द एयर इज़, कि मतलब एयर प्रेशर हाईएस्ट कब होता है, जब एयर क्या होती है। पहला ऑप्शन है वार्म एंड मॉइस्ट, दूसरा है कूल एंड ड्राई, थर्ड है वार्म एंड ड्राई, एंड फोर्थ इज़ कूल एंड मॉइस्ट। तो क्या होता है हमारे पास में कि जब भी वार्म एंड मॉइस्ट हमारे पास में नेचर होता है हमारे पास में एनवायरनमेंट का, तो जो डेंसिटी होती है एयर की वो कम होती है, ठीक है, जिस वजह से जो प्रेशर क्या होता है वो हाई होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वार्म एंड मॉइस्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द बेसिक रीज़न फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल ऑफ द सूटेबल कट डायमंड इज दैट, जो बेसिक रीज़न क्या होता है जो हमारा डायमंड होता है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल का मतलब वो जो चमकता है उसका। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि इट हैज़ वेल डिफाइंड क्लीवेज प्लेन्स, दूसरा ऑप्शन है इट हैज़ वेरी हाई ट्रांसपेरेंसी होती है डायमंड की, थर्ड है इट हैज़ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या फोर्थ इट इज़ वेरी हार्ड। तो जो रीज़न होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल का डायमंड का वो होता है ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि साउंड फॉलोइंग अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज़ कॉल्ड, मतलब जो आवाज़ आती है जब हमारे लाइटनिंग होती है, मतलब कि जब बिजली चमकती है तो जो आवाज़ आती है उसे हम क्या कहते हैं। हमारे पास में चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्टोनिंग, सेकंड ऑप्शन है बोल्टिंग, थर्ड ऑप्शन है थंडर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्लाउड क्लैश। तो हमारे पास क्या होता है जब भी साउंड फॉलोइंग द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ये होता है बिकॉज ऑफ थंडर, ठीक है, थंडर के कारण होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी जो ये हमारे पास में लाइटनिंग होती है, इससे पहले क्या होता है जब भी बारिश होनी होती है, बादल गरजते हैं, उससे पहले एक बिजली चमकती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कि किससे पहले फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ऑप्शन नंबर सी थंडर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर, जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर होती है जो हम नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं, वो वर्क करती है कौन से प्रिंसिपल पर। इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्कैटरिंग, सेकेंड ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरेंस, थर्ड द ऑप्शन नंबर सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड फोर्थ इज रिफ्रैक्शन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, ये एक रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, लाइट रे की, जब वो किसी इंटरफेरेंस पे पहुंचती है, ठीक है, जिसका कि बहुत ही कम डेंस मीडियम होता है, ठीक है। और ये कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ग्रेटर देन होता है किससे, क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, एंगल सी, इससे डिनोट करेंगे हम क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो बेसिकली डिपेंड करती है किस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम द स्मेल स्प्रेड्स सून थ्रू आउट द रूम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जब भी हम कोई परफ्यूम की बोतल को हम कहीं पे खोलते हैं किसी कमरे में, तो एक कॉर्नर में, तो वो पूरे के पूरे रूम में हमारे पर उसकी स्मेल जो है वो फैल जाती है, ये किस कारण से फैलती है। तो इसके चार ऑप्शन है, पहला है सरफेस टेंशन, सेकंड है कैपिलैरिटी, थर्ड है विस्कोसिटी, एंड फोर्थ इज डिफ्यूजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न बेसिकली क्या होता है, ये गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस थ्रू मोलिकुलर मोशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है, जब हमारी कोई भी बॉडी है वो फॉल कर रहे हैं हम फ्रीली, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। इसका पहला ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, दूसरा ऑप्शन है वेट के,
थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्थ इज इम्पल्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेट। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पल्स होता है वो इक्वल टू होता है किसके, फोर्स। ठीक है, जब हमारी कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है तो सिर्फ फोर्स जो होता है वो किस कारण से होता है, वेट के कारण से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ बकेट ऑफ वाटर इज हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस, अ पीस ऑफ आयरन इज सस्पेंडेड इन द वाटर विदाउट टचिंग द साइड्स और टचिंग द बॉटम ऑफ द बकेट, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या होगी। पहला ऑप्शन है बढ़ेगी इंक्रीज, दूसरा है डिक्रीज होगी, थर्ड है कोई चेंज नहीं होगा, फोर्थ है वेरीज करेगी विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ ऑफ द इमर्जन ऑफ द आयरन पाइप। तो इसका जो सही उत्तर है क्या होगा, वो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि जब भी हम पीस ऑफ आयरन को जब वो पानी के अंदर जाएगा तो वाटर लेवल जो क्या है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो प्रेशर होगा बॉटम में बकेट के बॉटम में वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो टोटल थ्रस्ट होता है ना बॉटम में वो भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच इज़ द बेस्ट यूज्ड एज साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल इन पार्टीशन वॉल। जब हम पार्टीशन करते हैं तो उसके अंदर जो आवाज़ मतलब एक एक तरफ से दूसरी तरफ ना जाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन है स्टोन चिप्स, सेकंड है स्टील, थर्ड है ग्लास वूल एंड फोर्थ इज ग्लास पीस। तो हम ग्लास वूल का अगर यूज़ करेंगे तो जो एक साउंड है एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मटेरियल होता है वो ना तो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर स्टीरिंग लिक्विड सॉल्यूशन बिकॉज, जो अल्ट्रासोनिक वेव है उनको यूज़ करते हैं तो स्टीरिंग लिक्विड क्यों। पहला ऑप्शन है डू नॉट प्रोड्यूस नॉइस ड्यूरिंग द ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन है आर इजी टू प्रोड्यूस, थर्ड है कैन प्रोड्यूस परफेक्टली होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज डू नॉट प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन इन द सॉल्यूशन। तो इसका सही उत्तर है कैन प्रोड्यूस परफेक्टली होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, स्केटिंग ऑन आइस इज पॉसिबल, आइस जो बर्फ़ के ऊपर हम स्केटिंग करते हैं वो पॉसिबल होती है किस कारण से। पहला ऑप्शन है द सरफेस ऑफ आइस इज स्मूथ, स्मूथ होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है आइस क्या होती है, ठंडी होती है इस कारण से, थर्ड होता है तो प्रेशर ऑन द आइस ड्यू टू स्केट मेल्ट्स द आइस बाय लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट फॉर्मिंग अ थिन फिल्म ऑफ वाटर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज द प्रेशर ऑन द आइस ड्यू टू स्टेक रेजेस इट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द प्रेशर ऑन द आइस ड्यू टू स्केट मेल्ट्स द आइस बाय लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है वो प्रेशर के साथ क्या होता है, उससे क्या होता है, प्रेशर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, जब भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सीलरेशन द अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज, जब लिफ्ट क्या होगी ऊपर की तरफ जाएगी तो वेट क्या होगा बॉडी का क्या होगा। ऑप्शन है पहला मोर और लेस देन ट्रू वेट होगा, सेकंड है मोर देन द ट्रू वेट, थर्ड ऑप्शन है लेस देन द ट्रू वेट एंड फोर्थ इज इक्वल टू द वेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोर देन द ट्रू वेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिराज, मिराज किस चीज़ का एग्जांपल है। तो इसके हमारे पास में कुछ ऑप्शन हैं, जैसे पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड ऑप्शन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, थर्ड है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, फोर्थ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका सही उत्तर है रिफ्रैक्शन, साथ ही साथ TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है मिराज क्या है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली लाइट रेज जो होती है वो बेंड होती है, जिससे क्या होता है एक डिस्प्लेस्ड इमेज जो है वो ऑब्टेंड होती है स्काई में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है कि नो करंट विल फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडी इफ़ दे हैव द सेम, क्या होगा सेम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन है, जो पेरिस्कोप होता है वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पे। तो जो हमारा पेरिस्कोप होता है वो वर्क करता है हमारा किस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है दोस्तों, और आज का जो हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है वो है कि पीसेज ऑफ कैम्फर प्लेस्ड ऑन वाटर मूव अबाउट रैपिडली, दिस इज बिकॉज ऑफ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, जो पीसेज ऑफ कैम्फर होते हैं प्लेस्ड ऑन वाटर वो क्या करते हैं, मूव करते हैं अबाउट रैपिडली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आएगी इसको लाइक और शेयर।